हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछना ही इसमें क्वेश्चन, तो इसमें दो तीन चीज होते हैं जो कि ध्यान रखने को होते हैं। इसमें बिल्कुल अलग तरह से सॉल्व किया जाता है कि जैसे यहाँ क्या है, यहाँ इस चैप्टर में समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क का बात होता है। टाइम का मतलब हो जाता है कि किसी भी काम को करने में समय कितना लग रहा है, और वर्क मीन्स होता है कार्य, कि उसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं और उसका सबसे पहले मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। ये देखिए, एक दो और एक तीन पॉइंट पे मैं पहले बात करूंगा आपको, जो काफी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए। तो आइए मैं सबसे पहले पॉइंट को क्लियर करता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर एक है कि यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन में करे, मतलब यदि कोई काम ए जो है वो एक्स दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य एक बटा एक्स। यहां पे यही लिखना है कि जब यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य वन बटा एक्स। अब बोलेगा कि क्यों लिखेंगे हम, देखिए यदि एक्स दिन कर रहा है, ठीक ना, यदि हम बोलेंगे कि यदि मैं 10 दिन में 10 आम खाता हूं, तो एक दिन में कितना आम खाएंगे, एक आम। तो क्या किया, डिवाइड कर दिए, तो वही हम यहां क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तब जब हम कार्य का बात करें, ठीक ना। अब फिर से देखिए दूसरा पॉइंट, यदि ए का एक दिन का कार्य एक बटा वाई हो, जब कार्य एक बटा वाई हो, मतलब कह रहा है कि जब हम काम का बात करते हैं तो एक पूरा कार्य को वाई दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, वाई दिन में। इससे क्या पता चल रहा है कि जो क्षमता है काम करने का और जो समय है वो क्या होता है, एक दूसरे का ओपोजिट होता है। मतलब किसी का क्षमता यदि डबल है तो इसका मतलब क्या है, उसका समय जो होगा वो आधा होगा। तो देखिए, जब हम बात करेंगे कि यदि ए का एक दिन का कार्य एक्स इतना हो, वन बाय वाई हो, तो ए पूरे कार्य को वाई दिन में करेगा, इसका मतलब क्या है, क्षमता, कार्य जो है, कार्य जो नीचे दिया हुआ है वो समय में बदल जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो, देखिए यहां पर पॉइंट आ गया कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। अब देखिए कैसे, जैसे बोलेंगे कि कोई काम है, वो कोई भी काम है, जैसे मान चलिए कोई 10 दिन है, 10 दिन मेरे पास दिया हुआ है, तो 10 दिन यदि दिया हुआ है हमारे पास, तो 10 दिन में यदि मैं 10 काम कर रहा हूं, तो सामने वाला क्या, 5 ही काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा क्षमता डबल है उससे, क्या है, उससे डबल है। इसे क्या पता चल रहा है कि 10 दिन है, 10 दिन में मैं 10 काम कर रहा हूं, 10 दिन में वो 5 ही काम कर रहा है, तो क्षमता डबल है, और काम को पूरा करने में लगा समय का अनुपात 1:2 होगा। मतलब समय क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन में मैं 10 काम किया, वो 10 दिन में 5 काम किया, तो 10 दिन का जो अनुपात है वो मेरा क्या है, कम लगा, डेफिनेटली कम लगेगा, क्योंकि यदि वो 5 ही काम होता तो मैं तो 5 दिन में कर देता, वो 10 दिन में लेता। इसका मतलब क्या, समय डेफिनेटली कम हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब क्षमता डबल हो, 3 गुना हो, तो समय इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको कि ए की कार्य क्षमता बी से 5 गुना है और उनका कार्य क्षमता का अनुपात 5:1 है, तो काम करने का समय का अनुपात क्या होगा, तो 5:1 के ना होके 1:5 हो जाएगा, बस उल्टा कर देना है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और इसके बाद कई क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो जो सबसे काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बच्चे इसमें काफी घबरा जाते हैं, आइए मैं सोल्व करके सबसे पहले इसी को बताता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी मैं बताया कि ए यदि 10 दिन में कर सकता है, तो ए यदि एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य, तो ए यदि किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, हम जस्ट 1:10 लिख देंगे। डेफिनेटली ए यदि किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो उसका ए का एक दिन का कार्य 1:10। फिर बोल रहा है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब उसी काम को बी क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो बी यदि 15 दिन में काम करे,
तो बी का एक दिन का कार्य एक बटा 15 एकदम सही है। ये देखिए यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, मतलब अब क्या हो रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन, यदि सोमवार को एक काम करा तो मंगल को बी करेगा, फिर बुध को ए करेगा तो बृहस्पति को बी करेगा, ऐसा बात बता रहा है यहाँ पे। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, ओ अब कौन आरंभ कर रहा है, ए कर रहा है, यदि पहली तारीख को ए करे तो दूसरा तारीख को बी करेगा, तीसरा तारीख को फिर ए करेगा तो चौथा तारीख को बी करेगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक दिन क्या करेगा, ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी का दो दिन का कार्य, दो दिन का कार्य करेगा, ए सोमवार कर रहा है बी मंगल कर रहा है, मतलब दो दिन में काम कर रहा है दोनों मिलके, तो ए प्लस बी का दो दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो दोनों कर रहा है एक बार एक कर रहा है 10 दिन और बी कर रहा है 15 दिन, यही है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 होगा तो 10 से कितना बार में, 3 बार में, तो 3 से ऊपर लिख देंगे तो 3 से गुना करेंगे 3, ये देखिए जितना यहां से डिवाइड हो जितना बार में उसको हम यहां गुना करते हैं, तो 10 दिया तो 3 से 3 बार में प्लस 15 × 2 से 2 बार में, ठीक कितना गया 3×5/30 बराबर 1/6 हो गया ना। तो क्या बोल रहा है, तो ए प्लस बी का दो दिन का कार्य 1/6। अभी मैं इसके पहले पॉइंट पे बता रहा था कि जब 1/6 कार्य करे दो दिन में तो एक दिन का कार्य, तो 1/6 को पूरा करने में ए प्लस बी को दो दिन का समय लगा, यही ना, 1/6 कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी को दो दिन का कार्य समय लगा ना, तो एक कार्य को पूरा करने में को पूरा करने में कितना लगेगा, ए 2×6। देखिए ऐसे भी हम जानते हैं कि 1/6 = 2 हो तो एक यहां रहेगा तो एक क्रॉस जाता है ऐसे और ऐसे, जैसे ए बटा बी बराबर यदि सी बटा डी है तो क्या लिखेंगे हम, ए गुना डी बराबर सी गुना बी, ये क्रॉस और ये क्रॉस जाता है, तो वही चीज यहां पे है कि देखिए 1/6 कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी को दो दिन का समय लगा, तो एक कार्य को पूरा करने में 2×6 मतलब 12 दिन का समय लगेगा, एकदम क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 1/6 कार्य को कितना दिन में कर रहा है, दो दिन में, क्योंकि ए प्लस बी बारी बारी से काम कर रहा है, ए आज किया बी कल किया तो सोमवार तो मंगल, तो दो दिन में काम कर रहा है कितना 1/6, तो 1/6 कार्य को करने में कितना दो दिन, तो एक कार्य को पूरा करने में कितना 2×6 मतलब 12 दिन, तो आप देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ 6 दिन यहाँ 12 दिन, ये आंसर होगा आपका 12 दिन, फिर 13 है 18 ये तो होगा नहीं, ये डेफिनेटली आंसर आपका सही है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उसको क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसको समझिए, फिर यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। देखिए ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, ए क्या कर रहा है 8 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर ले, मतलब तीनों मिलकर क्या कर रहा है 4 दिन में समाप्त कर ले, तथा इनकी कुल मजदूरी 4,500 रुपया हो, तो इनमें सी को कितना धन मिलेगा। अब देखिए सी को कितना धन मिलेगा ये पूछ रहा है, और सबसे पहले हमें यहाँ सी का कार्य क्षमता भी नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सी की कार्य क्षमता को निकालेंगे, उसके बाद उसका रेशियो होगा कि किस रेशियो में क्या काम कर रहा है, उस रेशियो के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। तो देखिए ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य नहीं, ए एक कार्य को, एक कार्य को 8 दिन में करेगा, ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना 1/8
बस आपको कुछ नहीं लिखना है, जब भी आप सॉल्व करें तो जैसे ये पॉइंट दे कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में करे तो जैक पॉइंट दे ए का एक का इतना कार्य, ए बराबर इतना कार्य, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करेगा तो बी का एक दिन का कार्य कितना 12 दिन में, बी क्या है, बी एक कार्य को 12 दिन में करेगा तो बी का एक दिन का कार्य, एक बटा 12, बस यहां लिख रहा है आपको बी बराबर एक बटा 12, मतलब बी ए एक कार्य को 8 दिन में काम करेगा तो एक दिन में 8 काम करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा, ठीक, इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं है। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर दे, अब ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहा है तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर एक कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, 4 दिन, लगा समय एक बटा 4 दिन, डेट लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक बटा 4, कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट आपको बनाना है, इसको नहीं बनाना, मैं समझा रहा हूं इसको कि ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को कितना समय में कर रहा है, 4 दिन में। अब बोल रहा है तथा इनकी कुल मजदूरी इतना, तो कुल मजदूरी हम तो बाद में आएंगे, सबसे पहले सी का कार्य क्षमता हमको चाहिए ही चाहिए, किसी को मान के चलिए जैसे 3 आदमी है, ए प्लस बी प्लस ए सी ए बी सी 3 आदमी है, तो तीन को कितना पैसा हम बांटेंगे, तो ये हमें मजदूरी के अनुसार पता चलेगा कि वो कितना काम किया कितना दिन किया, तो वही बात है यहाँ पे, तो इनमें से सी को कितना धन मिला वो देखेंगे कैसे, तो ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तीनों 4 दिन में कर रहा है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक बटा 4 दिया हुआ है, ए कितना, ए एक बटा 8, बी एक बटा 12, प्लस सी तो दिया नहीं है तो सी की जगह सी लिखेंगे बराबर एक बटा 4। अब देखिए यहां हम सी को सी रहने देते हैं, बराबर एक बटा 4 माइनस 1/8 प्लस 1/12। अब बोलेगा कि माइनस कैसे आ गया, तो देखिए यहां दोनों क्या है प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है, तो ऐसे हम लिख देंगे इसको, ये भी कुछ नहीं है, यहां क्या है प्लस है, तो ये प्लस इक्वल टू जाने से माइनस, और ये दोनों को दोनों हम अंदर ले लिए। अब देखिए यहां सॉल्यूशन ठीक है, 1/4 माइनस ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 24 होगा, 8 से 3 बार में 3 को ऊपर गुना करेंगे तो 3 प्लस 12 से 2 बार में जाएगा तो 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2, मतलब यहां फिर से देखिए 1/4 माइनस 3/2 5/24, अब फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 4 से 6 बार में जाएगा तो ऊपर 1 है तो 6 माइनस 24 से एक बार में जाएगा 24, तो यहां पर एक हो गया तो एक से हम 5 गुना करेंगे तो 5, मतलब 1/24, 6 में से 5 गया तो 1/24, तो सी यहां क्या था, सी लिख रहा ना, ये देखिए सी सी का कार्य निकल गया, तो सी कितना दिन में बराबर सी काम करेगा, कौन काम करेगा, सी का जो कार्य क्षमता निकल गया क्या निकला 1/24, बस 1/24 निकल गया, तो इसका रेशियो हम निकालेंगे तो पैसा को बांट देंगे उस रेशियो में, तो देखिए 1/8 ए रेशियो बी रेशियो सी, पैसा को हम अनुपात में ही बांटेंगे कभी भी रेशियो में बांटेंगे, तो 1/8 रेशियो 1/12 रेशियो 1/24 सबके अनुसार बांट देंगे। अब देखिए यहां पे या तो आप काट सकते नीचे, और नहीं तो यदि बड़ा है बहुत तो काट दीजिए, यदि छोटा छोटा है तो डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, टाइम बचेगा, तो देखिए यहां से हम एलसीएम यदि डायरेक्ट लेते हैं तो 24, नीचे का हमेशा एलसीएम लेना है, तो नीचे का एलसीएम लेना 24, और इस 24 को लेने के बाद हम रेशियो क्या निकलेगा 8 से 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 3 रेशियो, 12 से 2 बार में 12 2 24 तो 2, तो 2 से ऊपर गुना करेंगे 1 से 2 रेशियो, 24 को 1 24 से बार देंगे तो 1 बार में, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये देखिए 3 रेशियो 2 रेशियो 1 1 निकल गया, ये निकला। अब आप बोलेगा कि 24 जब रेशियो का बात हो तो इसको हम नहीं लेंगे, एकदम भूल जाएंगे उसे, मेरा रेशियो ऊपर वाला ये रहा। अब क्या बोल रहा है, तो इनमें से सी को कितना धन मिलेगा, तो ये किसका है ए, ये किसका है बी, और ये किसका है सी, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए सी के लिए हम करेंगे कि एक सी निकाल रहे हैं,
तो C जब निकाल रहे हैं, देखिए जब भी हम C निकालेंगे तो क्या करेंगे, C बटा A प्लस B प्लस C और गुना जितना पैसा दिया हुआ अमाउंट, ये फॉर्मूला होता है। तो C एक है अब बटा कुल, तो तीन दो पांच और एक छह, रेशियो निकालने का ऐसा ही तरीका होता है, 3 to 5 1 6 जिसका मांग रहा है वो और गुना अमाउंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है 4500, 4500 ये दिया हुआ ना। अब इसको इससे काटेंगे तो 750 बाद में कट जाएगा, देखिए 6 × 7 = 42 × 6 = 35 750, देखिए 375 750, ये रहा आंसर आपका, डेफिनेटली सही है आंसर आपका। और ये तरीका जो है इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको इतना ए का कार्य बी का कार्य करने का क्षमता दिखना नहीं है, जस्ट लिखिए यहाँ दे रहा है ए अकेला एक कार्य 5 दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का कार्य 1/8, बस इतना ही लिखना है, ये लिखे पॉइंट। फिर जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य 1/12, बस इतना ही लिखिए। तथा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 1/4, तो इससे क्या कीजिएगा, सी का मान निकला, यहां से सी निकल गया, तो सी जैसे निकल गया 1/24, तो बस अब रेशियो 1/8, 1/12, 1/24 निकाल के जिसका मान रहा रेशियो के अनुसार आपका क्वेश्चन सॉल्व। इतना लिखने का लंबा दिख रहा है, कुछ नहीं है इसमें। आइए इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको कहीं ना कहीं यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बाद कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है, मतलब ए उतना समय में कर सकता है, समय नहीं दिया है, जितने समय में बी और सी मिलकर समाप्त कर सकता है, मतलब ए उतना ही समय में काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर काम कर सकता है, मतलब ए जो काम करेगा यदि 5 दिन में तो वो काम बी और सी मिलकर 5 दिन में करेगा, मतलब ए का जो क्षमता है वो बी और सी मिलाकर जितना क्षमता है वो बराबर है। यदि ए तथा बी मिलकर 10 घंटे में समाप्त करे, मतलब ए और बी किसी काम को कितना घंटा में समाप्त कर रहा है, 10 घंटा में समाप्त कर रहा है, तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में समाप्त करे, और सी कितना टाइम दिया हुआ 50 घंटे में, तो बी अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा। तो देखिए बी का हमें निकालना है कि कितना समय में समाप्त करेगा क्वेश्चन को, मतलब कितना दिन कितना घंटे या घंटा में आंसर दिया हुआ है तो कितना घंटे में वो कार्य को समाप्त करेगा। तो ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी, तो देखिए ए का सॉल्यूशन देखिए, ए का एक दिन का कार्य वो बराबर होगा बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, क्यों, क्योंकि ए किसी कार्य को उतने दिन में समाप्त कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, तो बी और सी मिलकर जितना काम करेगा वो अकेला ए ही कर देगा, तो मतलब बी सी दोनों बराबर होगा ए के बराबर। यदि ए तथा बी मिलकर 10 घंटे में समाप्त करे तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक बटा दस, इसमें कोई डाउट नहीं है, बी ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/10, क्योंकि दोनों मिलकर 10 घंटे में काम कर रहा है तो एक काम को एक दिन में कितना करेगा 1/10। अब देखिए तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में समाप्त करे, सी का दिया हुआ 50 घंटा, तो देखिए सी का एक दिन का कार्य, कार्य बराबर 1/50 घंटा हो जाएगा ना, 1/50 ले लेंगे, तो बी अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी हमें निकालना है कि कितना समय में पता समाप्त करेगा। तो देखिए ए बी का दिया हुआ है 1/10, सी का दिया हुआ है इतना, तो तीनों मिलकर कितना करेगा, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, देखिए अब देखिए ए का एक दिन का कार्य बी प्लस सी के बराबर है, बी ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/10 दिया हुआ है, सी का एक दिन का कार्य 1/50 दिया हुआ है, तो जब तक हम तीनों का नहीं निकालेंगे उससे हमें सब्स्टिट्यूट पता नहीं चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा तीनों को लेकर ही चलना है। तो देखिए अब तीनों का क्या करेंगे, तो ए बी सी,
तो ए बी का तो दिया हुआ है एक बटा दस, तो एक बटा दस। अस्सी का दिया हुआ है पचास, तो एक बटा पचास। कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल जाएगा, पचास दस से पांच बार में तो पांच ऊपर, प्लस पचास एक बार में तो एक ऊपर, छह बटा पचास काट देंगे तो दो से तीन बार में दो से पच्चीस, ये निकल गया। इतना तीन बटा पच्चीस जो निकला वो कार्य ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य इतना हो गया। अब देखिए ए का कार्य क्षमता जो है बी प्लस सी के क्या है, बराबर है। तो देखिए ए का कार्य क्षमता हम यहां पे, या तो ए का कार्य क्षमता क्या होगा, ए का कार्य क्षमता कार्य जो होगा वो बी प्लस सी का कार्य बराबर है, सी के कार्य का क्या होगा, बराबर होगा ना, डेफिनेटली बराबर दिया हुआ है कि यदि ए किसी कार्य को उतने समय करेगा जितने समय में बी और सी। तो देखिए ए का इतना है, तो अब हमें ए प्लस बी प्लस सी का पता है, तो ए प्लस सी यहां पे हम यदि ए बैठा दें यहां पे, तो यहां पे हम टू ए का कार्य क्षमता, टू ए का जो कार्य क्षमता होगा कार्य होगा वो यहां बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कार्य। अब बोलिए कि ये कैसे हो गया, ये देखिए यहां सबसे एकदम ध्यान से देखने वाली बात है कि ए का कार्य बराबर है बी प्लस सी का कार्य, तो ए का जितना कार्य वो बी प्लस सी का कार्य है, तो डबल ए कर दिए तो डबल बी प्लस सी हो गया, मतलब ए यहां पे बैठा दिए, इसका मतलब क्या है कि दो बार बी सी, मतलब बी और सी, बी और सी का बराबर ए है, तो ए हम यहां पे ज्यादा कर दिए, दो कर दिए मतलब एक और ए ज्यादा कर दिए, तो यहां भी हम ए क्या कर दिए बैठा दिए, यहां कितना था ए का कार्य एक था, यहां टू ए का कार्य कर दिए, मतलब यहां से ए हम ज्यादा किए, यहां बी प्लस सी था तो ए हम यहां बैठा दिए, तो मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। अब देखिए उससे क्या होगा कि हमें ए प्लस बी प्लस सी का जो दिया हुआ है तीन बटा पचास निकाले हम लोग, तो उससे यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उससे यहां मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अब देखिए ये दिया हुआ इतना बराबर कितना हो जाएगा तीन बटा पच्चीस, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है यहां तीन बटा पच्चीस, तो दो को यहां से हटाएंगे तो ए का कार्य, ये जब मल्टीप्लाई जैसे दो बराबर ए बटा बी है, तो दो नीचे चला जाएगा, क्या हुआ ये क्रॉस होता है इसे, तो ये नीचे जाएगा बी, तो जैसे ये नीचे जाएगा तो ए भी नीचे जाएगा, कितना निकल जाएगा तीन बट्टा पच्चीस गुना एक बट्टा दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड, तो क्या हो जाएगा तीन बट्टा पचास बराबर ए का क्षमता निकला, ये किसका निकला, ए का निकला ना, ए का कार्य तीन बटा पचास बराबर ए लिख दिया मैं, इसमें कोई डाउट एकदम क्लियर है। अब देखिए ए निकल गया और यहां से दे रहा है कि ए और बी काम को दस दिन में कर रहा है, तो ए यहां बैठाएंगे हम तीन बटा पचास, तो बी निकल गया मेरा, डेफिनेटली क्लियर। अब देखिए ए प्लस बी का कार्य कितना था एक बटा दस, तो ए का मान दिया हुआ तीन बटा पचास प्लस बी बराबर एक बटा दस, तो b बराबर एक बटा दस माइनस तीन बटा पचास, एलसीएम लेंगे पचास, तो दस देखिए यहां देखते हैं एलसीएम लेंगे पचास ये दोनों का, तो दस से पांच बार में तो पांच माइनस पचास से एक बार में तो तीन, मतलब कितना पांच में तीन गया दो बटा पचास, मतलब इसे काट देंगे तो एक बटा पच्चीस, मतलब B का जो कार्य क्षमता होगा, ये देखिए B का जो कार्य क्षमता होगा वो क्या हुआ एक बटा पच्चीस, मतलब 25 घंटे में वो काम कर रहा है। तो देखिए क्या पूछा है, B अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा, तो 15 20 25 यहां दिया हुआ 25 घंटे में समाप्त करेगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी इसको समझिए, उसके बाद आप डेफिनेटली यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, ए किसी कार्य को उतने समय में करेगा जितना बी और सी, तो ए का कार्य क्षमता बराबर बी प्लस सी का कार्य क्षमता, ए प्लस बी का दिया हुआ है कि यदि ए प्लस बी मिलकर 10 घंटे में समाप्त करे, तो ए प्लस बी बराबर एक बटा दस, कुछ नहीं लिखना आपको, ये तो लिखना जरूरत नहीं है, आप ऐसे शॉर्ट बनाइए, देखिए ए बराबर बी प्लस सी ये हो गया, और ए प्लस बी बराबर एक बटा दस ये दिया हुआ है, और सी बराबर एक बटा पचास दिया हुआ है, देखिए तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में समाप्त करे इतना। तो अब ए प्लस बी प्लस सी यहां से निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या निकला था तीन बटा पच्चीस, कुछ नहीं है।
अब a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है इतना, तो अब देखिए b प्लस सी, यहां से b प्लस सी का वैल्यू देखिए, ए जितना काम करेगा उतना b प्लस सी करेगा, तो a का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, b प्लस सी, तो इससे क्या होगा आपका a निकलेगा डेफिनेटली, a बराबर हम क्या कर देंगे b प्लस सी दिया हुआ है यहां से क्वेश्चन से, अब यहां फिर a करके 2a कर देंगे, यहां भी हम a बैठा के b प्लस सी कर देंगे, यहां भी a दे दिया, यहां भी a दे दिए, तो a जब दे दिए तो अब फिर a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, इसका हमने वैल्यू 3/25 हम निकाले है, ये 2 नीचे 1/2 मतलब 3/50, a का वैल्यू इतना, तो b का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आंसर आपका हाथ में, इस पे पुट कीजिए आपका हाथ में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि इसके बाद भी यदि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं इसी के साथ। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अगली क्वेश्चन ये है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार कार्य करे, ए कंटिन्यू काम कर रहा है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, मतलब हर तीसरे दिन मतलब तीसरा दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, मतलब ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है और बी तथा सी जो है वो तीसरा दिन ए का साथ दे रहा है, मतलब एक दिन दो दिन नहीं काम कर रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमें क्या निकालना है कि तीनों मिलकर जो कार्य कर लेगा वो एक्चुअली कितना दिन में काम कर लेगा। तो देखिए इसका सबसे आसान सा ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ये देखिए सबसे कुछ नहीं है ये, आप ऐसा ट्रिक्स है जो माइंड में रखा रहेगा भी आपका, कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए बी तथा सी एक दिन का, तो सबसे पहले तीनों का निकालते हैं हम, तो देखिए ए एक कार्य को 20 दिन में करेगा, ये है तो एक दिन का कार्य, तो ए का एक दिन का कार्य 1/20, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए का एक दिन का कार्य 1/20, उसी तरह बी का 1/30, तो बी का एक, यदि बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/30, तो देखिए 60 दिन में सी कर रहा है तो सी का एक दिन का कार्य कितना दिन करेगा, 1/60 हो जाएगा। आपको इतना भी लिखना नहीं है, ए का मान लिखना 1/20, बी लिखना 1/30, सी लिखना 1/60। अब देखिए यदि यह हो गया ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है, ये तो इसका एक दिन का कार्य निकाल लिए। अब बोल रहा कि यदि ए लगातार कार्य करे, ए क्या कर रहा है कंटिन्यू काम कर रहा है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी कार्य करे, तो मिलकर क्या तो कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब वही कार्य कितना, हमेशा हमारे पास हमेशा कार्य एक होता है, कितना कार्य होता है एक कार्य, तो देखिए तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, एक काम कितना है 1/20 प्लस, ये तो काम कर ही रहा है, इसके साथ और कौन आ रहा है, बी और सी भी आ रहा है, तो बी काम कितना दिन में कर रहा है 1/30 और सी काम कितना कर रहा है 1/60, ये काम कर रहा है ना, तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है बराबर एक काम, कितना काम कर रहा है तीनों मिलकर एक काम, तो देखिए 1/20 1/30 और 1/60, तो इसका दिया हुआ है काम करने की क्षमता, लेकिन क्या इतना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए ए लगातार कार्य कर रहा है, ए तो कंटिन्यू है, ठीक है, ए को तो छूना नहीं है, तथा हर तीसरे दिन बी और सी, मतलब तीसरा दिन बी और सी, ये तीसरा दिन और ये भी तीसरा दिन आ रहा है, इसका मतलब एक दो और तीसरा दिन तो कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो ए एक ना करके ये तीन दिन काम कर रहा है, क्योंकि सोमवार किया, मंगल किया और बुध किया, लेकिन ये किया बुध, ए बी और सी जो है, तो ए क्या किया, सोमवार किया, मंगल किया, बुध, तीनों दिन किया, लेकिन ये क्या किया, बी और सी सिर्फ बुध को आया, तो सिर्फ बुध को एक ही दिन हुआ, इसका भी बुध एक दिन हुआ, तो बस ये ट्रिक्स है, इससे आसान ट्रिक्स नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट ये लिखिए सॉल्यूशन होगा इससे। अब देखिए इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60, तो 20 से कितना बार में जाएगा, 20 किया तीन बार में, तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 प्लस 30
दूनी 60, दो दो से ऊपर गुना करेंगे तो दो प्लस 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में एक को एक से गुना करेंगे तो एक, कितना हो गया 9 दो 11 एक 12, 12 बटा 60 मतलब 1/5, 1/5 को काम को कर रहा है, 1/5 कार्य को, 1/5 कार्य को ए प्लस बी प्लस सी तीन दिन में कर रहा है, तीन दिन में कर रहा ना, क्योंकि हर तीसरा दिन आ रहा है मतलब एक दो और तीसरा दिन, तो तीन दिन में काम कर रहा है 1/5 कार्य को, तो एक कार्य को कितना दिन में करेगा, एक कार्य को 3×5 दिन में कार्य करेगा बराबर 15 दिन, यही हो गया ना, एक कार्य को 3×5 दिन में कार्य करेगा मतलब कितना 3×5 15 दिन में कार्य करेगा, तो देखिए 1/5 बराबर 3 है तो ये क्रॉस जाएगा ऊपर, ये इधर आएगा तो इसको लाना नहीं है क्योंकि एक का हमको निकालना ही है, तो ये क्रॉस जाएगा तो 3×5 15 दिन में कार्य समाप्त, तो देखिये 12 15 दिन, ये रहा 15 दिन में कार्य समाप्त, तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर लिया 15 दिन में, तो इससे आसान ट्रिक्स नहीं है, इस यही डायरेक्ट आप लिखिए 1/20 30 60 लिखिए, तो 3 दिन कर रहा है तो 3/20 तीनों दिन ए तो कर रहा है, बी और सी एक एक दिन कर रहा है सिर्फ, तीसरा दिन कर रहा है एक एक दिन, इसी को सॉल्व कीजिए आंसर हाथ में, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली इजी लगेगा। इसमें दो क्वेश्चन है, देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में, मतलब ए बी बी सी सी ए तीनों का दिया हुआ है कार्य करने की क्षमता, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तो हमें क्या निकालना है कि बी ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, तीनों मिलकर इसे दिया हुआ अलग अलग इसका क्षमता दिया हुआ है, और तीनों मिलकर इसे कितना दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा वो निकालना है, और दूसरा बोल रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी भी निकालना है कि बी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन है आपका ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिये क्वेश्चन को फिर से समझिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा, तो ए तथा बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20 शॉर्ट लिख दिए, यहां तो दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, तो ए तथा बी का एक दिन का कार्य 1/20, उसी तरह बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, बी तथा सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15, और वो है सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में, सी तथा ए का एक दिन का कार्य 1/12, ये बोल रहा है ना, अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तीनों मिलकर निकालना है, तो तीनों मिलकर क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है हमें, ये निकालना था, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कि जब हम इसे जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा, तो इसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए ए और बी ये दिया हुआ है ए बी बी सी और सी ए, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए यही हो गया ना, सॉरी सी प्लस ए ये दिया हुआ हमारा, और इसका जो क्षमता दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1/20 प्लस 1/15 और प्लस 1/12 ये दिया हुआ 20 15 12। अब देखिए ए बी बी सी सी ए यहां क्या हो रहा है, एक बार यहां ए एक बार यहां दो बार ए आ रहा है, यहां यहां दो बार बी आ रहा है, यहां यहां दो बार सी आ रहा है, तो क्या करना है हमको, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ये हो गया बराबर, हम इसको एलसीएम लेते हैं यहां पे, तो एलसीएम क्या आएगा 20 15 और 12 का एलसीएम, देखिए 20 15 और 12 का यदि एलसीएम निकालते हैं ऐसे तो 60 आएगा, निकाल के दिखाता हूं, तो देखिए क्या चीज से जाएगा सबसे पहले, देखिए तो सबसे पहले कुछ नहीं, हम 2 से करेंगे तो 10 बार में, ये 15 का 15 2 से 6 बार, फिर 2 से करेंगे तो 5 बार में, 15 और 2 से
तीन बार में, फिर तीन से करेंगे तो पांच का पांच, तीन से पांच बार में पंद्रह, तीन एक कम एक, फिर पांच से करेंगे तो एक 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 खत्म। अब देखिए पांच तिया पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, तीस दुनी साठ, तो डेफिनेटली साठ आ गया। तो एलसीएम हम इसका साठ लेंगे तो बीस तिया तीन बार में, तो तीन से ऊपर गुना करेंगे तो तीन प्लस पंद्रह चौके चार से ऊपर, एक से गुना करेंगे तो चार प्लस बारह पंचे, पांच को एक से गुना करेंगे तो पांच, बराबर क्या हो जाएगा तीन चार सात और पांच बारह बटा सात, मतलब एक बटा पांच। अब देखिए दो ए दो बी और दो सी का मान कितना है, एक बटा पांच, तो दो एलसीएम कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना एक बटा पांच, दो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो वन बाय फाइव इंटू वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टेन। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकला, वन बाय टेन, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान दस दिन में करेगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एक कार्य कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो दस दिन में। एक आंसर ये हो गया आपका। दूसरा पूछ रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला, तो बी हमें कहां से मिलेगा, तो बी डेफिनेटली हमें यहां से ही मिलेगा ना, और कहीं से तो मिलेगा नहीं, बी यहां से मिलेगा, तो बी कैसे मिलेगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, हमें बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ए प्लस सी कर देंगे तो बी बचेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी में हम ए सी को घटा देंगे तो डेफिनेटली बी ही बचेगा, देखिए यहां प्लस है यहां माइनस आ गया ए, यहां माइनस सी हो गया यहां प्लस है, तो डेफिनेटली हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को घटा देंगे तो बी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू एक बटा दस माइनस, और ए और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी तथा ए एक बटा बारह दिन में कर सकता है, यहां देखिए सी तथा ए मिलकर बारह दिन में करेगा, तो माइनस एक बटा बारह क्या निकल जाएगा एलसीएम, तो सात इसका भी आएगा, बारह पंचे साठ, दस छठ साठ, तो दस से छह बार में माइनस बारह से पांच बार में, बारह पंचे साठ, ये ना, तो छह में से पांच गया एक बटा साठ, ये निकल गया साठ, मतलब बी काम कितना दिन में करेगा एक बटा साठ, ये दोनों आंसर आपका हाथ में। देखिए एलसीएम लेने से क्या होगा, दस से पहले गुना कीजिए अति भाग दीजिए, इसको छह बार बनाया वो छह को इससे गुना कीजिए, तो छह को एक से गुना करेंगे तो छह, फिर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो पांच बार में, बारह पंचे सात, अब पांच को फिर इससे गुणा करेंगे तो पांच, माइनस का माइनस ये कर दिया साठ, ए प्लस बी प्लस सी दस बार में, अभी साठ बार में। अब देखिए 10 और साठ किसमें ऑप्शन में, तो 10 तो है लेकिन 50 है जो कि ये गलत हो जाएगा, यहां 12 है तो ऐसे ही खत्म, चूंकि 10 चाहिए, यहां 10 है, यहां 10 है और 60 है, ये देखिए सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये सी आपका सही है, समझिए फिर से, ए बी 10 इतना दिन में करेगा 20 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 12 दिन में, तो इसी को डायरेक्ट लिखिए और ए प्लस बी प्लस सी को सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद टू दो दो बार दो दो आ रहा है तो दो एलसीएम लेके कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं, यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूंगा एज ए नोटिफिकेशन द सेम वीडियो विल कम टू यू, एंड आप इस वीडियो को देखिए, यदि आप कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके थैंक यू, धन्यवाद।